आगे बढ़ाए। देखता हूँ यहाँ पर तस्वीरें, एक एक पल की तस्वीर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जो महिला थी ये रो रही थी, लेकिन ये बुलडोजर देखिए रेड लाइट तक बढ़ गया है आगे, तो उनको डर ये था क्योंकि जो अधिकारी थे वो यहाँ पर रुक गए थे, कर्मचारी थे यहाँ पर रुक गए थे, तो उनको डर ये था कि कहीं उनकी दुकान पे ये बुलडोजर ना चल जाए। तो ये माहौल भी है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रेड लाइट पार करके बुलडोजर आगे बढ़ गया है। वहीं अगर हम पुलिस के जवानों की बात करें तो कुछ लोग उनके पीछे जरूर जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ सके और आपको तस्वीरें दिखा सके। देखिए सामने रेड लाइट है, रेड लाइट से आगे बुलडोजर बढ़ा है, क्या ये कार्रवाई इसके आगे होनी है या फिर अब यहीं पर रुकेगी? अभी इस सवाल का जवाब किसी के पास में नहीं है, लेकिन जो पुलिस के जवान है, जिस तरीके से फोर्सेस कम हुई हैं, वो यही इशारा कर रहा है कि संभवतः अब ये कार्रवाई यहां पर नहीं होगी। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वो जरूर बुलडोजर के पीछे पीछे आगे बढ़ रही है, लेकिन बुलडोजर इस वक्त हमसे हम कह सकते हैं कि करीबन 500 मीटर आगे बढ़ चुका है और आगे आश्रम की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर बुलडोजर जो रेड लाइट है वहां तक पहुंच चुका है। तो जो महिला अभी हमारे कैमरे पर रोती बिलखती हुई नजर आई थी, उनको डर इस बात का था कि उनकी झुग्गियों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर ना चले, तो फिलहाल वहां पर ये बुलडोजर नहीं चला है और बुलडोजर आगे बढ़ गया है। क्या कार्रवाई खत्म हो गई? अभी भी आधिकारिक तौर पर इसका जवाब नहीं मिला है। जी प्रतिमा, बिल्कुल, जो तस्वीरें जहांगीरपुरी से सामने आई थी अंकित, अब वैसी ही तस्वीरें शाहीनबाग और उसके आसपास के इलाकों से नजर आ रही है। जो लोग बेहद कम में गुजर बसर करते हैं उनका कहना है कि हमारे पास सारे जरूरी कागजात है, फिर अतिक्रमण के नाम पर उनका घर बार क्यों लूटा जा रहा है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों? हालांकि अभी दूसरी जगह पर कार्रवाई की तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं और वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। एमसीडी के जो तमाम यहाँ पर वाहन मौजूद थे, चाहे फिर वो वाहन जिनमें अतिक्रमण हटाने के बाद के सामान को इकट्ठा करना था, मलबे को इकट्ठा करना था, चाहे फिर वो क्रेन वाली गाड़ी हो या फिर जेसीबी, वो तमाम गाड़ियां अब यहां से हट चुकी है। पुलिस के तमाम लोग यहां से जा रहे हैं, जो भी सुरक्षा में मौजूद जवान थे उनका भी मूवमेंट पहली लोकेशन से हो चुका है, यानी जो पहली लोकेशन थी अब वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है और वहां से अब आगे की तरफ जैसे जैसे जेसीबी बढ़ी है पुलिस के लोग भी आगे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस वाले कुछ सीधे सीधे कह नहीं रहे, उनका ये कहना है कि जहां पर पहले कार्रवाई होनी थी वहां तो हो गई, आगे का हम कह नहीं सकते, लेकिन मूवमेंट देखकर लगता है कि अभी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, आगे की तरफ बढ़ते हुए तमाम ये जो जवान है वो हमको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये जो क्रेन की गाड़ियां हैं इन्हें भी इस्तेमाल किया जाना है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में एमसीडी की कार्रवाई अभी जारी है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एसडीएमसी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और सामने में आपको एक फुटओवर ब्रिज की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी। इस फुटओवर ब्रिज पर ही शुरुआत में जब तस्वीरें आ रही थी तो इस ब्रिज के उस पार पर क्रेन जेसीबी मौजूद थी, बुलडोजर मौजूद था, जहां लोग उस बुलडोजर के आगे बैठ गए, काफी देर तक एमसीडी की कार्रवाई रुकी रही और इसी फुटओवर ब्रिज के ऊपर अभी भी आपको भारी तादाद में लोग नजर आएंगे, जो क्या कुछ हो रहा है शाहीन बाग में उसके आसपास के इलाकों में उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, अब ट्रैफिक सामान्य रूप से चलने लगा है क्योंकि जिस पहली लोकेशन पर एनसीडी को कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अब आगे की तरफ बढ़ चुका है बुलडोजर, तो वहां से भी तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो तस्वीर हम तक पहुंचेगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम एबीपी न्यूज के माध्यम से, लेकिन देखिए शाहीन बाग की तस्वीरें आप देख ही रहे। इस बीच प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, वो हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, जो एमसीडी की जो आज कार्रवाई होनी थी यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने की, वो यहाँ पर लगभग कह सकते हैं खत्म हो चुकी है क्योंकि एमसीडी के जो ट्रक्स आए थे वो जा चुके हैं, पुलिस फोर्स यहाँ से हट चुकी है, जेसीबी हट चुका है। लेकिन इसके बाद ये जो कुछ हुआ इसमें आधा घंटा या एक घंटा लगता है इस अतिक्रमण ड्राइव को करने में, लेकिन आज बहुत समय लगा, राजनीति भी देखने को मिली, लोग बुलडोजर के आगे लेट गए, उसके चलते जो है ये रास्ता जो कि सरिता विहार से करंदी कुंज होते हुए नोएडा की तरफ जाता है उसमें भारी जाम लग गया है और अभी भी ये जाम जो है वो हटा नहीं है। और जो लोग हैं उन्होंने दुकानें, बहुत सारे लोगों ने दुकानें बंद की थी इस डर के मारे कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई है कहीं उसका असर उसकी दुकान पे ना पड़े, तो मार्केट यहाँ पर अभी तक बंद है, ट्रैफिक जाम है। और यहाँ पर से जो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो जा चुकी है, कुछ एकाध दो पुलिस फोर्स के जो लोग हैं वो बचे हुए हैं, सीआरपी के जवान जो है वो अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। बाकी यहाँ से जो अतिक्रमण की कार्रवाई है एमसीडी की तरफ से बताया गया है कि आज के लिए वो हो चुकी है, ज़्यादातर लोगों ने खुद हटा दिया था जो कुछ था, उसके लिए जेसीबी मंगाई गई थी ऐसे स्ट्रक्चर को हटाने के लिए जो कि परमानेंट यानी कंक्रीट में बना दिया गया हो, और उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने खुद ही अपनी कार्रवाई, जैसा हमने देखा तस्वीरों में भी कि लोगों ने अपना स्ट्रक्चर खुद ही हटाना शुरू कर दिया। तो फिलहाल एमसीडी की कार्रवाई जो अतिक्रमण हटाने की वो यहाँ से पूरी हो चुकी है, जो हमको अभी एमसीडी की तरफ से जानकारी मिल रही है। और यहाँ पर
उस कार्रवाई के बाद जो है वो जाम जो है अब सड़कों पे जाम देखने को मिल रहा है, जबकि 40 फुट चौड़ा रोड इसको कहते हैं, चालीस काफी चौड़ा ये रोड है। लगातार नजर बनाए रखिए हालात पर कि एक्शन आगे हो रहा है या फिर उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया, लेकिन अंकित गुप्ता का रुक करना बहुत जरूरी हो जाता है। अंकित भी जो है वो जेसीबी के साथ साथ ही पहले चल रहे थे। अंकित, अब जेसीबी आपके आसपास है या दूर हो गई है और क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरों के जरिए बताइए जरा। प्रतिभा, यहाँ पर जो है जेसीबी करीबन मुझे आधा किलोमीटर आगे निकल गई है, लेकिन एक तस्वीर दिखाना जरूरी है। देखिए, जो सुरक्षाकर्मी जो यहाँ पर बुलाए गए थे वो अब अपने सामान के साथ में यहाँ पर खड़े हो गए। माना जाए कि अब ये कार्रवाई खत्म हो गई है, क्योंकि ये सुरक्षाकर्मी जो बुलाए गए थे इनको तैनात किया गया था जेसीबी के साथ में, लेकिन अब जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां से जेसीबी करीबन आधा किलोमीटर आगे निकल गई है, लेकिन सुरक्षाकर्मी अभी यहीं पर मौजूद है। और फिलहाल इस वक्त के लिए देखिए ये तस्वीर है कि अब सवाल यही, आधिकारिक तौर पर तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर आगे बढ़ा है वो ये इशारा कर रहा है कि आज के लिए ये कार्रवाई हो गई है। संभवतः एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है एमसीडी की तरफ से कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, दुकानें या आवास या जो भी उनके जो है जो भी जगह है उनको संदेश दे दिया गया है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। और हमारे सहयोगी जो प्रफुल्ल हो या दीपक हो, हम सभी लोग लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक दिन की नहीं है, अगले कुछ दिनों में भी होगी। तो एक तरीके से ये जरूर कहा जा सकता है कि एमसीडी की तरफ से एक मैसेज दिया गया है बुलडोजर को यहाँ ला करके कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन देखिए, इस वक्त जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी आए हुए थे वो अपना सामान लेकर के बैग लेकर के आगे जा रहे हैं। संभवतः वो यहाँ पर अब जो जिस बसेस से आए थे या जिस वाहन से आए थे अब उनको यहाँ से वापस जाने को शायद संभवतः बोल दिया गया है। इसी वजह से जो एमसीडी के अधिकारी थे या फिर जो सुरक्षाकर्मी थे जो यहाँ पर रुके भी थे बुलडोजर के पास में, वो यहाँ से रवाना हुए हैं। लेकिन सबके बीच में जो तस्वीर सामने आई ना, वो भी जो है अपने आप में सवाल खड़ी करती है। एक महिला थी, वो यहाँ पर इस तरीके से फूट फूट कर रोने लगी, उनको लगा कि बुलडोजर उनकी दुकान के सामने आके खड़ा हो गया है और वो जो है तोड़ दी जाएगी, उजाड़ दी जाएगी, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। तो ये एक असमंजस की स्थिति भी बनी है। और इस सबके बीच में जो राजनीति हो रही है वो तो हो ही रही है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर बात हो कांग्रेस के नेताओं की, वो यहाँ पर पहुंचे हैं ये कहते हुए कि बीजेपी सिर्फ राजनीति के चलते, वोट बैंक के चलते इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। तो वहीं बीजेपी शासित जो एमसीडी है उसके अधिकारियों का ये कहना है कि लगातार ये अतिक्रमण को लेकर के शिकायतें आ रही थी और उसी के बाद में कार्रवाई की जा रही है। तो राजनीति भी जमकर जरूर हो रही है, लेकिन इस वक्त के लिए यहां से यानी ग्राउंड जीरो से बड़ी खबर यही निकल के सामने आ रही है कि जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे वो अब वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारी भी यहां से हमको जाते हुए नजर आए हैं और बुलडोजर जहां पर ये कार्रवाई के बाद में सबसे आखिरी लोकेशन पर रुका था वहां से भी करीबन आधा किलोमीटर एक किलोमीटर दूर जाकर के खड़ा हो गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।